जिंदगी का मकसद है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिंदगी की जरूरतें एक अलग चीज है, जिंदगी का मकसद एक अलग चीज। मुसलमान भी पूरी कर रहा है और मुस्लिम भी पूरी कर रहा है, यहां तक के जानवर भी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर रहा है। तो जिंदगी की जरूरतें पूरी करने में मुसलमान गैर मुस्लिम की कमी नहीं है, यहां तक के जानवर भी अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करता है। वो भी खाता है, वो भी मकान बनाता है, चूटी बिल बनाती है, ऐसी बिल बनाती है कि जमीन पर पानी भर जाए, सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, वो पानी उसकी बिल में अंदर नहीं जाता है। उसको अल्लाह ने वो फन दिया है। परिंदे घोंसले बनाते हैं, सैलाब आए, आंधी आए, तूफान आए, उनके घोंसलों पे कोई असर नहीं होता। वो उसमें अंडे डालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पालते हैं। तो जरूरतें जिंदगी की सब समझते हैं और सब जिंदगी की जरूरतें पूरा करने की मेहनत कोशिश में लगे हुए हैं। मुसलमान गैर मुस्लिम सब लगे हुए हैं। जिंदगी का मकसद क्या है वो समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी किया। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा इंसानों को उनकी जिंदगी का मकसद समझाने के लिए। तो नबी दो बातें समझाते हैं, एक जिंदगी की जरूरतें पूरा करने का तरीका क्या है, उसका तरीका। दूसरे जिंदगी का मकसद। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जमीन पर उतारा और उसकी तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह ने उस पर वही भेजी। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है, सबसे पहले इंसान नहीं हुई है, सबसे पहले नदी नहीं हुई है, सबसे पहले वही उन्हीं से पर डाली हुई है, सारा की जगह। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ आदम तुम्हें एक जमाना यहाँ जमीन पर रहना है। अब तुम जमीन पर उतार दिए गए हो, तुम्हें एक जमाना जमीन पर रहना है। कैसे रहोगे? ये घर है, हमने तुम्हारे लिए बनाया है, औलाद आदम को इस घर में बसाया है, तुम्हारी औलाद को बसने के लिए मैंने ये घर बनाया है, तो इस घर में कैसे रहोगे? तो हमारी तरफ से हुक्म आएंगे और तरीके आएंगे। यह सबसे पहली वही है जो आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने भेजी। तो भाइयों, हम सब जन्नत से आए हैं, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम कहां से आए? हमें उनकी से औलाद नहीं। हमारे एक बुजुर्ग इज्तिमा में गए सिलोन, वहां उन्होंने बयान में कहा कि भाई सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम यही उतारे गए थे, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ हजरत, है एक पहाड़ है, उस पर उनके कदमों के निशान हैं, उसे पीक ऑफ एडम्स कहते हैं, लोग जाते हैं वहां जियारत करने। तो उन बुजुर्ग ने पूछा कि उनकी औलाद में कोई बाकी है? देखो जरा सोच रही तुम्हें। वो कहने लगे हजरत, इतना जमाना कौन जिंदा होता है, सब मर के चले गए, तो हम किसकी औलाद है? तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि आदम एक मुद्दत तुम्हें जमीन पर रहना होगा। हम आए हैं कहां से? जन्नत से। कहां जाने का इरादा है भाई? अरे बोलो भाई, रास्ता क्या है? आए हैं जन्नत से, जाना है जन्नत को। रास्ता कोई रास्ता नहीं है। एक आदमी इज्तिमा के बाद हाईवे पे गया, अब उसे नहीं मालूम कि बेंगलुरु को किधर जाना,
कोलार को जाना तो किधर फिरना, राइट को, बेंगलोर जाना तो लेफ्ट को, उसे मालूम नहीं। पहली बार आया उन्हें जाकर हाईवे पर पूछता है, एक कौन है, एक कोई साहब खड़े हैं जरा पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हैं, उसने पूछा कि इनसे पूछेंगे रास्ता बताएंगे, तो उसने उनसे पूछा कि भाई मुझे बेंगलोर जाना है क्या रास्ता है, तो वो कहने लगे अजी हजरत तुमने इतना मालूम नहीं, दुनिया गोल ले कई साथ भी जाओ पहुंच बंगलोर पहुंच जाते, उन्हें पहुंचता है बेंगलोर को रास्ता सही है तो मंजिल सलामत, रास्ता गलत है तो मंजिल हाथ से गई, अगर रास्ता सही है तो जितना चलेगा मंजिल के करीब, रास्ता गलत है तो जितना चलेगा मंजिल से दूर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को वही भेजी कि आदम ये दुनिया हमने तुम्हारे लिए बसाई है, तुम्हारी औलाद को यहां बसाएंगे, जमीन का फर्श हमारे लिए बिछाया, हमारे बसने के लिए जमीन का फर्श बिछाया। हदीस में आता है कि तमाम इंसानों को अल्लाह रोजी जमीन से देता है, क्या मतलब कि आने वाले इंसानों की रोजी जमीन में है, हम जो कुछ खाते हैं वो जमीन से आता है, चावल गेहूं रागी दाल दाना जो कुछ इंसान खाता है वो जमीन से आता है, क्या मतलब कि इंसानों की रोजी अल्लाह ने जमीन में रखी है, ये कैसा फर्श बिछाया है अल्लाह ने इंसान के लिए, इस पर बसो रहो और इसी में से तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हारी हाजतें और जरूरतें पूरी करेंगे। तो जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, स्टार्टिंग में कैसा आसमान का शामियाना लगाया है, चांद सूरज से दुनिया को रोशन किया, एक फुटबॉल के बराबर सूरज कितना नजर आता है आसमान में, सूरज आसमान में सूरज को देखो कितना दिखता है, एक फुटबॉल के बराबर, वो सारी दुनिया को रोशन करता है, पहाड़ों को जंगलों को समंदरों को, बादशाह के महल में भी रोशनी पहुंचाता है, गरीब के झोपड़े में भी बराबर रोशनी पहुंचाता है। तो चांद सूरज से रोशन किया, नहीं होता लगाने सितारों से रौनक दी आसमान को, हवाएं चलाई इंसान के लिए, बारिशें बरसाई इंसान के लिए, जमीन से अनाज उगाया इंसान के लिए, नहरें महाई इस्मान इंसान के लिए, सब कुछ अल्लाह ने इस इंसान के लिए बनाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि देखो हम सूरज को निकालते हैं और फिर तुम्हारे सरों पर लाकर फिर उसे डुबोते हैं, कुरान करीम में है अल्लाह फरमाते हैं कि अगर सूरज को हम तुम्हारे सरों पर खड़ा कर दें, जैसे 12 बजे दिन में सूरज सरों पर खड़ा रहता है, अगर हम सूरज को निकाल कर तुम्हारे सरों पर खड़ा कर दें और सूरज को न डुबाएं तो तुम्हारी जिंदगी मुसीबत हो जाए, सूरज खड़ा है डूबता नहीं है, जिंदगी मुसीबत हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं यह सारा निजाम इंसान के लिए है, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जानवर गाय बकरियां भैंस ये दूध के चश्मे हैं, दूध के चश्मे, इनसे हम तुम्हें दूध देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में के इनको तुम वो खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते, इन जानवरों को वो खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते, असल दाना तुम खाते हो और चारा इनको खिलाते हो जो तुम नहीं खा सकते, और ये चारा खाकर तुम्हें दूध देते हैं। तो जो जिसके पास ईमान की रोशनी नहीं है वो कहता है यही ये गाय मुझे दूध दे रही है, ईमान वाला कहता है इसका मुझे दूध दे, क्या इंसान वो अल्लाह दे रहा है, इसके जरिए दे रहा है, शो करने यूज में नाम यहाँ। अच्छा अगर ये गाय दे रही है दूध, अगर गाय दूध दे रही है, क्या भी है तो क्या दुनिया में आज तक किसी साइंसदान ने
ऐसी कोई मशीन बनाई कि चारा डालो तो नीचे से दूध आना। अरे भाई वो शुगर केन जूस की मशीन, ऊपर से गन्ना डाले तो नीचे से शुगर केन जूस आता है, चारा डाले तो दूध आना, ऐसी कोई मशीन बनाया। ये बड़े बड़े दावे करने वाले जर्मन, जापान, अमेरिका बड़े बड़े दावे करने वाले के किसी ने ऐसी मशीन बनाई कि चारा डालो दूध आना, और ये भैंस चारा खाने दूध दे रही है। इन्हें तो सबसे बड़ी साइंटिस्ट हुई। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कैसा पाकीज़ा दूध तुम्हें जानवरों से दिया है, ये चश्मे हैं चश्मे। अच्छा भाई, काली काली भैंस दूध कैसा? अरे भाई, काले आदमी के काले बच्चे, गोरे आदमी के गोरे बच्चे, काली भैंस का दूध कैसा रहना? काला रहना, गोरी भैंस का गोरा रहना, काली भैंस का। लेकिन काली काली भैंस दूध कैसे दे रही है? कैसा पाक साफ दूध, कैसा पाक साफ दूध वो दे रही है, अल्लाह दे रहा है। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का निजाम। अच्छा, अगर उन्हें दूध दे रही है तो तुम्हें दूध पी को दूध कहीं को नहीं देते? उन्हें चारा खा को दूध दे रही है, हमें दूध कहता पिए। बचपन से लेकर अब तक एक एक आदमी कितने टैंकर पे गया हो, पानी का टैंकर भर रही हो पानी है इज्तिमा में, ऐसे कितने टैंकर एक एक आदमी पी गया दूध, कितना दिया अब तक? चारा खा के दूध दे रही है, हमें दूध पी को दूध नहीं देते। अल्लाह फरमाते हैं ये सब तुम्हारे लिए है, ये सारा इंतजाम तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, ये सब कुछ तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। दुनिया में बच्चा बाद में आता है, उसके दुनिया में आए से पहले अल्लाह उसकी मां के सीने में दूध भर देते हैं, उसकी रजा मां के सीने से दूध, बच्चा दुनिया में बाद में आता है।